चलिए दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं जितेंद्र सिंह स्वागत करता हूँ दोस्तों आप सभी लोगों का महेंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं, रेलवे ग्रुप डी जीएस जीके के लिए जितने भी वनडे एग्जामिनेशन होते हैं, जितने भी वनडे एग्जामिनेशन, चाहे वो एसएससी के, जितने भी सेगमेंट के एग्जामिनेशन हो, चाहे वो स्टेट के हो, हर उस वनडे एग्जामिनेशन में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये पर्टिकुलर सेशन, जहां पर जनरल स्टडीज के दोस्तों क्वेश्चन आते हैं ना। तो फटाफट सभी लोग जुड़ जाए और शेयर कर दें, है ना। आप लोग सुन रहे होंगे, है ना बच्चे लोग, और बहुत अच्छे तरीके से आप लोग रिप्लाई दे रहे होंगे। आप लोग एंजॉय करिएगा, ठीक है। आज का सेशन थोड़ा सा अलग है, अलग इन द सेंस ऑफ मैं आपको, मतलब साइमल्टेनियसली मैं आपको रिप्लाई नहीं दे पाऊंगा, लेकिन हाँ आपके यहाँ ईच एंड एवरी कमेंट को मैं बाद में देखूंगा, ठीक है। और मैं कोशिश मेरी रहेगी, अगर आपका कोई जेन्युइन अगर क्वेश्चन हुआ तो मैं उसका रिप्लाई भी दूंगा, ठीक है। और बाद में कमेंट सेक्शन में भी आप लोग लिख सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए खैर शुरू करते हैं हम लोग अंतिम प्रहार नाम की सीरीज। पहला क्वेश्चन आ गया दोस्तों आप लोग के स्क्रीन पर। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, हु वाज द फर्स्ट, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर। देखो, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एवरीबॉडी नोस, हम सभी लोग जानते थे जवाहरलाल नेहरू। अगर कोई पूछेगा दोस्तों, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ प्लानिंग कमीशन, ध्यान रखिएगा प्लानिंग कमीशन का जो चेयरपर्सन होता है वो कोई और नहीं होता है, जो भी प्रेसिडेंट, जो भी प्राइम मिनिस्टर होता है, जो भी प्राइम मिनिस्टर। अब देखो, अब यहाँ पर एक वर्ड आएगा, अगर हम कई बार हमें देखा है कि जैसे वाइस प्रेसिडेंट के मामले में भी हम लोग एक्स 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 ऑफिसियो नाम का एक वर्ड लेकर के आते हैं कि एक्स ऑफिसियो चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा, है ना। प्रधानमंत्री को लेकर भी लेकर हम लोग लेकर के आते हैं एक्स ऑफिसियो चेयरपर्सन। एक्स ऑफिसियो का मतलब होता है दोस्तों पदेन। अगर एक्स नाम का बंदा, अगर कोई एक्स नाम का बंदा किसी सीट पर बैठा है और अगर वो पर्सन किसी किसी पर्टिकुलर कमेटी का अगर बच्चा लोग पदेन सभापति है, तो एक्स नाम का क्या हो जाएगा, चेयरपर्सन का हो जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों। जैसे प्रधानमंत्री की अगर हम बात करें, कई सारी कमेटीज के पदेन सभापति होते हैं, पदेन अध्यक्ष होते हैं, पदेन चेयरपर्सन होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जो बंदा एक्स नाम का, अगर अगर एक्स नाम का पर्सन प्रधानमंत्री की कुर्सी पर दोस्तों बैठेगा, तो वही एक्स नाम का पर्सन जो जो भी रिस्पेक्टिव कमेटीज होंगी उनका चेयरपर्सन बनेगा, ठीक है। चलिए फिलहाल यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा हटके बात कर रहा है बच्चा। क्वेश्चन कह रहा है कि 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर बताएं। टाइमर आप लोगों का स्टार्ट हो गया, बहुत बढ़िया, जल्दी से बताएं। जवाहरलाल नेहरू थे, कि इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, सोचो सोचो लॉजिक लगाएं। भारत पाक, इंडो पाक, है ना। फटाफट से आंसर बताएं, टाइम बिल्कुल नहीं है दोस्तों अपन लोगों के पास में। जी बिल्कुल, टाइम अप, टाइम अप, टाइम। देख ध्यान देखिए, ध्यान रखिएगा बच्चा लोग, ध्यान से आप लोग देखिएगा इस क्वेश्चन को। लाल बहादुर शास्त्री, कभी भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों, है ना, कभी भी बच्चा लोग अगर आपसे क्वेश्चन करेगा, हु वाज द फर्स्ट, सेकंड, हु वाज द फर्स्ट, आपको पता है, सबको पता है, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। हु वाज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर, ध्यान रखिएगा बच्चा लोग, है ना। अगर सेकंड अगर कभी भी आपसे बात करता है तो हमेशा ध्यान रखिएगा सेकंड में दोस्तों आपको लगाना है बच्चा लोग क्या, लाल बहादुर शास्त्री, यही हुआ करते थे, है ना। और बड़ी कंट्रोवर्शियल तरीके से इनकी डेथ होती है, वो आज भी मतलब अपने आप पे गुमनाम गुत्थी है ना दोस्तों। तो यहाँ पर सी इज अ करेक्ट आंसर, है ना। तो इंडिया, इंडो इंडो पाक, इंडो पाक, देखो इंडो चाइना 1962 में हुआ था, उसके तुरंत बाद हो गया था भारत पाकिस्तान। असल में पाकिस्तान को ऐसा लगता था कि 1962 से चाइना से इंडिया का जो बैटल हुआ है, उस समय हिंदुस्तान की कमर टूट गई है, और यही एक सही, देखो कायरों की यही निशानी होती है ना, उसने सोचा यही समय है इनसे बदला लेने का, मतलब देख रहे हो, मतलब मजबूरी में, परेशानी में हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया। वो भूल गया, ध्यान रखिएगा दोस्तों, वो इस बात को भूल गया, वो इस बात को पूरी तरीके से बच्चों को भूल गया, वो इस बात को पूरी तरीके से भूल गया कि हम चाहे पूरी दुनिया से हार सकते हैं ना, पूरी दुनिया से शिकस्त ले सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए तो हम हमेशा तैयार रहते हैं, इतना इतना पोटेंशियल हमारे पास हमेशा रहता है। चलिए खैर बहुत बढ़िया, बेहतरीन आप लोगों की परफॉर्मेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हु एस्टैब्लिश द एटॉमिक एनर्जी कमीशन, AEC ऑफ इंडिया इन द ईयर ऑफ 1948, मतलब 1948 के अंदर भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किसने की। अब आपके ऑप्शंस में, चलो टाइमर आपका स्टार्ट होता है, फटाफट आप लोग बताएं क्या आंसर होना चाहिए आप लोगों के हिसाब से। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, है ना, एटॉमिक एनर्जी कमीशन, फटाफट से आंसर बताएं सभी लोग क्या आंसर होना चाहिए दोस्तों आप लोगों के हिसाब से, है ना। जो भी होंगे भारत के अंदर परमाणु ऊर्जा के लिए एक बहुत बड़ा टास्क करेंगे, है ना, काफी पूरा दारोमदार अपने ऊपर उठाएंगे, हिंदुस्तान को एक नई डायरेक्शन देंगे, ठीक है। फटाफट
फटाफट जल्दी से आंसर बताएं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। देखिए एक बात याद रखिएगा, अंतरिक्ष प्रणाली का जो प्रणेता कहा जाता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, वो कहा जाता है विक्रम साराभाई को। ठीक है, अगर आप लोग अब्दुल कलाम साहब की बुक पढ़े, द विंग ऑफ फायर अगर पढ़ेंगे, तो उसमें विक्रम साराभाई का वहां पर उन्होंने अच्छे तरीके से जिक्र किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया एटॉमिक एनर्जी से, तो एटॉमिक एनर्जी होमी जहांगीर भाभा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा होमी जहांगीर भाभा, बिल्कुल इन्हीं के नाम से BARC है। BARC बोले तो दोस्तों भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्रांबे है ना, ट्रांबे महाराष्ट्र के अंदर है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा मतलब एक माइलस्टोन यहां पर क्रिएट किया किसने, होमी जहांगीर भाभा जी ने। हमें कहीं ना कहीं परमाणु रूप से संपन्न बनाने की दिशा में सबसे पहला कदम उठाया गया था होमी जहांगीर भाभा जी का, और नेहरू जी के साथ मिलकर उन्होंने काम किया था, नेहरू ने भी काफी सपोर्ट किया था। चलिए खैर बहुत बढ़िया बेहतरीन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, विच इज नॉट अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूएनओ, मतलब इनमें से कौन सी संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशेष एजेंसी नहीं है। अ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन क्या होना चाहिए, यूएनओ, यूनेस्को, WHO या ICJ। फटाफट से आंसर बताएं आप सभी लोग, क्या आंसर होना चाहिए दोस्तों आप लोगों के हिसाब से। बहुत बढ़िया बेहतरीन परफॉर्मेंस दोस्तों, ओके हाँ फटाफट जल्दी से बताएं। देखिए स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूएनओ, टाइम अप टाइम अप टाइम अप, अब मेरी बात बड़े गौर से समझिए। देखिए यूनाइटेड नेशंस की कई सारी चाइल्ड ऑर्गेनाइजेशंस है, ठीक है, जैसे फूड का, भाई फूड एंड एग्रीकल्चर अगर क्राइसिस पूरे वर्ल्ड के अंदर आ जाएगा तो इंसान खाएगा क्या, है ना, हम वेपन्स को थोड़ी ना खा लेंगे। तो मतलब एक 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 कहीं ना कहीं ये हिंदुस्तान का भी है, इंडिया के अंदर भी अगर देखा जाए, सपोज दैट अगर एग्जाम्पल ले एग्रीकल्चर नोन एज द बैकबोन ऑफ इंडिया, कल को हम कहते हैं क्या एग्रीकल्चर करते रहते हैं, एक काम करते हैं एग्रीकल्चर नहीं सर, हम लोग AK-47 बनाते हैं। अरे भाई बात बताइए, दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए। और बिल्कुल परेशान मत होइए, 2026 तक जो कमीशन कह रही है, 2026 तक हम चाइना को पीछे कर देंगे और चाइना से आगे निकलने वाले हैं। अब इतनी हाईएस्ट पॉपुलेशन अगर डेंसिटी अगर किसी भी पर्टिकुलर कंट्री की है, सबसे प्राइम वहां पर रिक्वायरमेंट खाने की होती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर खाना अगर कल को अगर गेहूं बच्चा लोग अगर 100 रुपए केजी हो जाए, चावल जो है आपका 80 रुपीज केजी हो जाए, यकीन मानिए देखिए व्यवस्था हो जाएगी, सारी व्यवस्था भंग है ना, चारों तरफ लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से फेल हो जाएगा। तो ये बैलेंसिंग अप्रोच लेनी जरूरी है, ये तो इंडिया की हमने बात की, वर्ल्ड में तो और ज्यादा जरूरी है। तो ध्यान रखिएगा, अभी देखिए आप लोग देखिए रशिया रशिया का जो कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट है यूक्रेन के साथ में, गेहूं में एक अजब तरीके की सनसनाहट देखने को मिल रही है इंटरनेशनल लेवल पर। ठीक है चलिए, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ये चाइल्ड ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस की, यूनेस्को ये क्या करती है दोस्तों ध्यान रखिएगा, अच्छा टाइमर टाइमर छोड़ो खैर कोई दिक्कत नहीं, एजुकेशनल और साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों ये, है ना। तो मतलब जितना भी अब हमारा जो साइंटिफिक टेम्पर है, हमारा कल्चर, हमारा एथिक्स है ना, उसको कहीं ना कहीं प्रोपोगेट करने की बात करता है, मतलब मानवतावादी एक अप्रोच लेकर के आता है, और उनको कहीं ना कहीं डेडिकेट है ये ऑर्गेनाइजेशन। WHO बिल्कुल सही बात भैया, हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है ना, कहीं थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आती है तो कहीं ना कहीं WHO तुरंत हमारा एक्टिव फॉर्म में आता है, इंसानियत सबसे बड़ी, बिल्कुल हेल्थ सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट चलो क्या है ऑर्गेनाइजेशन से, लेकिन ICJ ध्यान रखिएगा, ICJ कोई एजेंसी नहीं है, कोर्ट है एक, है ना, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है दोस्तों, ये कोई एजेंसी नहीं है। सो FAO एजेंसी है, यूनेस्को एजेंसी है, WHO भी एजेंसी है, लेकिन हमारे नहीं पूछा है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कई बार ऐसा होता है हमसे जो पूछा होता है हम नहीं नहीं ध्यान देते हैं, ठीक है दोस्तों, ऊपर बच्चा लोग नहीं ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पर ICJ हो जाएगा, तो D इज द करेक्ट आंसर। ठीक है चलो चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बच्चा, द आइडिया ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, यानी कि समवर्ती सूची का जो विचार है उस संविधान में किस किस पर्टिकुलर कंट्री से लिया गया। हम सभी लोग जानते हैं तीन तरीके की लिस्ट होती है ना, बार बार लिखने की कोई जरूरत है नहीं, है ना, कई बार बताया जा चुका है दोस्तों आप लोगों को कि एक होती है संघ सूची जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को होता है, एक राज्य सूची जिस पर कानून बनाने का अधिकार किसको, राज्य को होता है, और कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर दोस्तों ध्यान रखिएगा, कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर बच्चे लोग दोनों लोग मिलकर के पार्टिसिपेट करते हैं ना, और अगर कोई रेजिड्यूअल अगर रह जाता है, मतलब कोई ऐसा आर्टिकल, कोई ऐसा सब्जेक्ट जो तीनों में लिस्ट नहीं है ना, ध्यान रखिएगा दोस्तों, तो वो ऑटोमेटिकली सेंटर के पास पहुंच जाता है। तो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर बताएं आप लोग, टाइमर टाइमर मैंने स्टार्ट कर दिया, जल्दी से बताएं क्या आंसर होना चाहिए भाई, बहुत बढ़िया, हाँ फटाफट से आंसर बताएं क्या आंसर होना चाहिए भाई आप लोगों के हिसाब से, मेरे प्यारे दोस्तों बहुत बढ़िया,
बहुत सही, ठीक है ठीक है। टाइम अप टाइम अप टाइम अप एंड टाइम अप। आप सभी लोग मेरी बात बड़ी ही गौर से समझे, ठीक है? ओके, सभी लोग समझे। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन का आंसर है। इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही बेसिक, आप सभी लोगों को पता है, बच्चा बच्चा जानता है ना। फटाफट जल्दी से मुझे बताएं कहाँ से लिया है, कहाँ से लिया है। बहुत बढ़िया, ध्यान रखिएगा दोस्तों, हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया से, है ना, ध्यान रखिएगा। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया से और क्या क्या लिया है, कौन करंट के साथ साथ में हमने, बच्चा लोग, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, ट्रेड को फ्रीडम, फ्रीडम ट्रेड, ट्रेड फ्रीडम, ठीक है। कॉमर्स एंड इंटर कोर्स भी हमने कहा यहाँ से लिया है, ठीक है। कॉमर्स एंड इंटर कोर्स भी हमने बच्चा लोग यहाँ से लिया है, ठीक है। और हाँ, एक बात और याद रखिएगा, आपको एक आर्टिकल बताया था, याद होगा आपको, ज्वाइंट सिटिंग, आर्टिकल 108 याद आ रहा है, यानी लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में अगर किसी भी चीज को लेकर के मतभेद है। कई बार देखो होता क्या है, अमूमन होता क्या है, चलो कि कोई बिल कैसे पास होता है, तो लोकसभा में आएगा फिर राज्यसभा में आएगा, राज्यसभा में आया है तो लोकसभा में जाएगा। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा में पास ही नहीं हो रहा, या फिर राज्यसभा से पास हो गया, लोकसभा में पास ही नहीं हो रहा। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर कुछ ना कुछ तो अलगाव है ना इन लोगों में, इसीलिए ज्वाइंट सिटिंग की व्यवस्था की गई दोस्तों, आर्टिकल 108 है। और एक बात और याद रखिएगा, इस तरीके से जो मीटिंग होती है उसकी अध्यक्षता हमेशा स्पीकर महोदय करते हैं। कौन कहते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा बच्चा लोग, स्पीकर महोदय करते हैं, ठीक है। और हाँ, एक चीज और याद रखिएगा, हर चीज में नहीं है, जैसे कि संविधान संशोधन, कभी भी ज्वाइंट सिटिंग नहीं हो सकती, है ना, कभी ज्वाइंट सिटिंग नहीं, अलग अलग पारित होके आना जरूरी है। और एक बार सबसे इंपॉर्टेंट, मनी बिल, मनी बिल में राज्यसभा का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन ही नहीं है। अगर कोई ऐसा बिल जिसके अंदर दूसरे सेक्शन का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन ही नहीं है, तो मुझे नहीं लगता आपस में मिलाना कोई बहुत बड़ी अच्छी बात है ना, मतलब ये अनरिलीवेंट है। तो ध्यान रखिएगा, इन लोगों में नहीं, संविधान संशोधन बिल्कुल नहीं, मनी बिल, इन सब केसेस में ज्वाइंट सिटिंग की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो बी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, इन विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द लिस्ट ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी गिवन, यानी भारत के संविधान की किस अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची दी गई है। योर ऑप्शंस आर दोस्तों, फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल, फोर्थ शेड्यूल एंड सिक्स्थ शेड्यूल। फटाफट से आंसर बताएं सभी लोग, क्या आंसर होना चाहिए आप लोगों के हिसाब से मेरे प्यारे दोस्तों, फटाफट देखें, एक मिनट। हाँ चलेगा, स्टक तो नहीं हो रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, फटाफट से आंसर बता लीजिए। टाइमर, टाइमर चला दिया है ना, ये सब मैं इसलिए दे रहा हूँ टाइम, ताकि मतलब आपको भी थोड़ा सा लगे रिलेवेंट टाइम, है ना, है ना। चलिए फटाफट जल्दी से बता क्या आंसर होना चाहिए भाई, आप सभी लोगों के हिसाब से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी धमाकेदार, आप सब लोग करने जा रहे होंगे, है ना, कुछ बचा ही नहीं यार, पूरा पीछे कर लिया आप लोगों ने। तो भारत के संविधान की किस अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची दी गई है। शेड्यूल सारे पढ़ लीजिएगा, ठीक है, शेड्यूल सारे पढ़ लीजिएगा। टोटल वैसे सब संविधान जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ था, ऑन दैट टाइम वी हैव एट नंबर एट शेड्यूल, ठीक है। उस समय हमारे पास 60 थे दोस्तों, अब कितने हो गए, 12 हो गए। ध्यान रखिएगा, नाइन्थ जो शेड्यूल ऐड हुआ है दोस्तों, है ना, नौवीं अनुसूची जो ऐड हुई है वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा हुई है। 10वीं अनुसूची हुई है बच्चा लोग 52nd के द्वारा। 11वीं अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पंचायती राज से रिलेटेड है दोस्तों, वो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और आपकी सबसे लास्ट वाली जो 12वीं अनुसूची है, जिसमें म्यूनिसिपैलिटी है, इसको हम बोलते हैं शहरी शासन, वो दोस्तों ध्यान रखिएगा, वो 12वीं अनुसूची है, वो भी 1770 मतलब 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन द ईयर ऑफ 1993 के अंदर एप्लीकेबल हुई। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, फिलहाल यहाँ पर इन्होंने बात की है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची दी गई, मतलब उनके बारे में डिस्कस किया गया है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, वो बात की गई किसके अंदर, फर्स्ट शेड्यूल के अंदर की गई है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, ए इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, देखो एक बात याद रखिएगा, एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जब कोई टिपिकल, बहुत ज्यादा टिपिकल दे रखा हो ना, बिकॉज हमारे एग्जाम में, रियल एग्जामिनेशन के अंदर दोस्तों ध्यान रखिएगा, चलो अगर कोई बहुत ही ज्यादा टिपिकल दे रखा होगा पेपर, है ना, बहुत ही टिपिकल टाइप का अगर क्वेश्चन दे रखा होगा, तो ध्यान रखिएगा बहुत आसान होगा, और जो बहुत आसान होता है वो बहुत टिपिकल लगता है ना। मैथ्स में भी आपने ऐसा ही देखा होगा, बहुत कुछ दे रखा है इसमें, इसका मतलब क्लू दे रहा है वो आपको, ठीक है दोस्तों। चलिए बहुत बढ़िया, तो क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इज नॉट बारोड बाई द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब निम्न में से कौन सा ऐसा प्रावधान है दोस्तों, जो भारतीय संविधान द्वारा कनाडा के संविधान से उधार नहीं लिया गया है,
यार ध्यान रखिएगा बच्चा, ये ना आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है। एक को छोड़कर के इसके अंदर तीन आपके करेक्ट होने वाले हैं, तो बहुत कुछ हमें सिखाने वाला है। तो फटाफट जल्दी से आप लोग मुझे बताएं, टाइमर आपका स्टार्ट हो गया, टाइमर हैज बीन स्टार्टेड, फटाफट जल्दी से बताएं क्या नहीं लिया गया है। ठीक है, फटाफट जल्दी से बताएं मुझे। ओके, देखो हमेशा ध्यान रखिए, तो कनाडा से हमने वो चीज ली है जो सेंटर को थोड़ा सा पावरफुल बनाती हो, ठीक है ना, सेंटर को थोड़ा सा क्या बनाती हो बच्चों, पावरफुल बनाती हो सेंटर को, ठीक है। तो ध्यान रखिए कि चीजें हमने कनाडा से ली है। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पर देखें, फेडरल सिस्टम विद 45 सेंटर, है ना, मैंने क्या बोला, संघीय प्रणाली थोड़ी मजबूत हो, वो हमने कनाडा से लिया है। बी बोलता है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स बाय द सेंटर, बिल्कुल सही, सेंटर हर जगह, भाई गवर्नर कौन होते हैं आप बताइए, सरकार के ही तो रिप्रेजेंटेटिव है, हर राज्य के अंदर डिप्लॉय किए गए, कहीं राज्य कहीं उल्टा सीधा काम ना कर ले, है ना, कुछ ऐसा ना कर ले थोड़ा अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो, अनरिलीवेंट हो, दैट्स वाई उनकी उनकी वहां पर अपॉइंटमेंट की जाती है ना दोस्तों। चलिए खैर बहुत बढ़िया, थर्ड है बच्चा लोग एडवाइजरी, एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन, एडुकेशन एडुडिक्शन नहीं होगा बच्चा लोग, ज्यूरिडिक्शन, ज्यूरिडिक्शन एरिया है ना, मतलब उच्चतम न्यायालय सलाहकार दे, सलाहकार सलाहता सलाह देता है, हालांकि प्रेसिडेंट सर की मर्जी है वो उसको माने या ना माने, वो भी करे या ना करे। तो तीनों की तीनों चीजें दोस्तों हमने कहाँ से लिए बच्चों, लोग कनाडा से लिए, लेकिन नॉमिनेशन मेंबर्स ऑफ द टू द राज्यसभा ये हमने नहीं लिया। अच्छा ये कहाँ से लिया आप लोग मुझे बताइएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों करेक्ट हो गया क्या बच्चा लोग, डी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हु अमंग द फॉलोइंग इज अ करंट नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनएससी, मतलब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का वर्तमान अस्थायी सदस्य है, अस्थायी सदस्य नॉन परमानेंट, अब बताएं फटाफट, ये तो बड़ा दिलचस्प क्वेश्चन है, बड़ा ही दिलचस्प क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर बताएं, अस्थायी सदस्य है, फटाफट जल्दी से बताएं क्या आंसर होना चाहिए भाई आप लोगों के हिसाब से, फटाफट मुझे बताइएगा, ये मैं होमवर्क, आप लोग कमेंट ऑप्शन में बताइएगा मुझे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विच इज द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इन इंडिया, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है, इसने सुप्रीम कोर्ट नहीं पूछा दोस्तों, इसने पूछा ही आस्किंग बच्चों लोग, सुप्रीम कोर्ट नहीं पूछा इसने, ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इन इंडिया, बताएं फटाफट, टाइमर आप लोगों का स्टार्ट होता है दोस्तों। बहुत बढ़िया, बहुत सही एंड बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात और याद रखिएगा, इस क्वेश्चन थोड़ा सा और हम थोड़ा सा और इनहेरिट करेंगे, पहले टाइम अप हो जाए, टाइम अप, अब सुनिए मेरी बात बड़े गौर से सुनिए, सबसे पुराने हाई कोर्ट की बात की तो इनफैक्ट एवरीबडी नोज बच्चा लोग, बच्चा बच्चा जानता, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा पर कलकत्ता हाई कोर्ट, ठीक है एकदम सही है, डी इज अ करेक्ट आंसर। लेकिन सुनो, अगर कोई आपसे पूछे भारत का सबसे बड़ी जुडिशियल ब्रांच कौन सी है, और छोड़ो और क्वेश्चन को एक लेवल बढ़ाओ, एशिया की सबसे बड़ी जुडिशियल ब्रांच और थोड़ा ऊपर बताओ बढ़ाओ, पूरे वर्ल्ड की दुनिया की सबसे बड़ी जुडिशियल ब्रांच कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा इलाहाबाद हाई कोर्ट है ना, इलाहाबाद हाई कोर्ट सबसे बड़ी है पूरे वर्ल्ड की, दुनिया की जितना जहां पर भी जुडिशरी बैठती है दोस्तों, सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इलाहाबाद हाई कोर्ट है, ठीक है ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के आरओ आरओ एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। तो सी इज अ करेक्ट आंसर, कभी कभी पूछ लेता है ना, एसएससी रेलवे भी पूछ लेता। ओके चलिए, सेबी, सेबी क्या है बच्चा लोग बताए फटाफट जल्दी से लीजिए, योर टाइमर हैज बीन स्टार्टेड, बहुत बढ़िया, सेबी तो जानते होंगे, सिक्योरिटीज है, जानते कि नहीं जानते, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंजिंग है ना, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, स्टार्टिंग में आरबीआई सब कुछ करता था, बाद में आरबीआई ने कहा भाई देखो हमसे नहीं हो पाएगा, है ना, फिर अलग से हमने क्या किया, सेबी ऑर्गेनाइजेशन बनी। असल में शॉर्ट टर्म के जितने भी ऑपरेशंस हैं, या हम बात करें जिनकी बात करें मनी मार्केट है ना, देखो दोनों लैंग्वेज में बात कर सकते हैं, जो मनी मार्केट का जो वर्क होता है ना, देखो मार्केट की अगर हम बात करें, ये है दोस्तों हमारा मार्केट, इस मार्केट में अगर हम बच्चा लोग बात करें तो दो तरीके के मार्केट होते हैं, एक होता है हमारा शॉर्ट टर्म और एक होता है हमारा लॉन्ग टर्म,
जो शॉर्ट टर्म है इसको हम बोलते हैं मनी मार्केट। ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्या बोलते हैं? मनी मार्केट। जो लॉन्ग टर्म है इसको हम बोलते हैं दोस्तों कैपिटल मार्केट, सीएम। तो ये कैपिटल मार्केट है, ये मनी मार्केट है। मनी मार्केट को रेगुलेट करने के लिए इनका एक पापा होता है सिस्टम का, कौन होता है दोस्तों? जिससे हम बोलते हैं आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लॉन्ग टर्म जो आपका कैपिटल मार्केट है इसको रेगुलेट करने के लिए भी होते हैं कौन बच्चा लोग? ध्यान रखिएगा दोस्तों, इनके भी एक पापा है, कौन? ध्यान रखिएगा, सेबी। अच्छा एक बात और याद रखिएगा, शॉर्ट टर्म का मतलब विद इन अ ईयर, एक साल नहीं है। कभी कभी आपसे ईयर भी पूछ लेगा, है ना, 264 डेज, 265 डेज, विद इन अ ईयर, एक साल के अंदर अंदर, मतलब ऑन एनी कॉस्ट, चाहे लीप ईयर हो चाहे ना हो, ठीक है, एक ईयर के अंदर अंदर जैसे ही ऑपरेशन परफॉर्म होंगे सारे काम से कैटेगरी में चलो मनी मार्केट, मतलब आरबीआई के अंतर्गत है। और एक साल से, कई बार आपने देखा होगा लॉन्ग टर्म वाले, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड है ना, देखा होगा आप लोगों ने, है ना, तो मतलब किसान जो लोन लेता है 7 साल के लिए, 8 साल के लिए, 9 साल के लिए, तो वो सब ना वो लॉन्ग टर्म में जाता है दोस्तों, तो वो सेवी है, ठीक है बच्चा। तो ध्यान रखिएगा दोनों ही मार्केट के टाइप है। तो सेवी क्या है, अब देखिए मेरी बात बड़ी गौर से समझिएगा। अगर किसी चीज के लिए आर्टिकल, जैसे आर्टिकल 324 में लिखा है साहब एक इलेक्शन कमीशन होगा, तो ये क्या हो गया? इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में यार एक आर्टिकल है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो पता नहीं इतना बड़ा एक रॉकेट साइंस बना के रखते हैं, इसे पता नहीं क्या डिफरेंस होता है। अरे सीधी सी बात सुनो, एक बच्चे ने हमसे कहा कि जितेंद्र सर, संवैधानिक संस्थाएं वो होती हैं जो संविधान बनाने वालों ने बना के वो चले गए। मैंने कहा मेरे लाल थोड़ा सा इसको अपडेट करो, सिर्फ एक वर्ड याद रखो, कॉन्स्टिट्यूशनल, संवैधानिक। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में उसके लिए आर्टिकल है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, अगर आर्टिकल नहीं है तो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, बस इतना याद रखिए। अब चाहे देश आजाद होने से पहले संविधान सभा बना के गई हो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब एंड पार्टी, या फिर 2002 में हमने बनाया हो, 2005 में बनाया हो, 1980 के दशक में बनाया हो, कोई भी हमने एक्स वाई जेड नाम की एक कंपनी बनाई, उसका हमने नाम रख दिया कुछ भी, कोई भी आर्टिकल रख लो यार, 212(c) रख दिया, उसके लिए संविधान के अंदर एक आर्टिकल आ गया, वो कॉन्स्टिट्यूशनल हो गई, चाहे वो पहले हो चाहे बाद, ठीक है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, फिलहाल सेवी कोई आर्टिकल नहीं है इसके लिए, एडवाइजरी, कैसी बात कर रहे हो? तो स्टेट्यूटरी बॉडी है ना, सांविधानिक निकाय। सांविधिक निकाय का मतलब एक प्रपोजल के तहत हम इसको लेकर के आए हैं, है ना बच्चा लोग? हाँ, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं बोलेंगे, तो ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है भाई। सॉरी, ठीक है, चलिए खैर, ओके, थोड़ा सा तबीयत हल्की सी नासाज है और फिर भी आप लोग एंजॉय कर पा रहे होंगे, ठीक है, चल, थैंक यू सो मच बच्चा लोग, थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ग्रीन कलर इन इंडियन फ्लैग सिग्निफाइज, ये बच्चे बच्चे जैसे क्वेश्चन है यार, है ना, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में जो हरा रंग है वो किस बात को रिप्रेजेंट करता है? वीरता को, सेक्रीफाइसेस जो हम लोग देते हैं दोस्तों, है ना, बलिदान को, या रिलेशन टू सोयल एंड प्रॉस्पैरिटी? फटाफट आंसर बताएं। टाइमर लीजिए, टाइमर चला देते हैं, लीजिए भैया टाइमर, योर टाइमर हैज बीन स्टार्टेड, एक बार चेक कर लेते सब कुछ वेल एंड गुड है, ठीक है। फटाफट से आंसर बताएं भाई, क्या आंसर होना चाहिए आप लोगों के हिसाब से? हरा रंग, ग्रीन कलर। देखो ग्रीन कलर हरियाली को रिप्रेजेंट करता है दोस्तों, है ना, हरियाली को, तो रिलेशन टू सॉयल एंड प्रॉस्पैरिटी, बिल्कुल सही है, मतलब हरी भरी हरियाली। भाई भारत की पहचान क्या है? मैंने आपसे क्या बोला, इंडिया इज नोन एज बैकबोन, मतलब एग्रीकल्चर नोन एज बैकबोन ऑफ इंडिया, राइट ना? तो यार बैकबोन है तो उसी तरीके से हम उसको रिकॉग्नाइज करेंगे बच्चा लोग, है ना। तो रिलेशन टू सॉयल एंड प्रॉस्पैरिटी, प्रॉस्पैरिटी मतलब कहीं ना कहीं हमारे चारों तरफ खेत खलिहान जो ग्रीनरी है उसी को रिप्रेजेंट करता है दोस्तों, ठीक है ना। चलो तो ध्यान रखिएगा, सी इज अ करेक्ट आंसर, है ना, ग्रीन कलर इन इंडियन नेशनल फ्लैग सिग्निफाइज, यहाँ पर सी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट अपन लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, द स्पेशल प्रोविजंस इन आर्टिकल 371G, है ना, आप लोग हमेशा एक ही आर्टिकल पढ़ते हुए आए, 370, 370 और बस हो गया, लेकिन नहीं, ध्यान रखिएगा 371G किस राज्य को स्पेशल, देखो स्पेशल स्टेटस केवल कश्मीर को ही नहीं मिलेगा, मिला था, कई सारे स्टेट्स को मिला हुआ है, अभी भी मिला हुआ है ना। तो फटाफट जल्दी से आप लोग मुझे बताएं भाई, नागालैंड को अगर हम अदर स्टेट्स की तरह देखने लगेंगे यकीन मानिए वहां पर क्राइसिस आ जाएगी भाई, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, फटाफट से आंसर बताएं।
आधी रात को रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए इलेक्शन, है ना। आप लोग आराम से मतलब एंजॉय कर रहे होंगे कल। चलिए 371/जी। अच्छा टाइमर लीजिए भाई, टाइमर स्टार्ट हो गया, योर टाइमर हैज बीन स्टार्टेड दोस्तों। 371/जी, बहुत बढ़िया। ओके देखो 371 अगर आ जाए ना बच्चा, तो सीधे पहुंच जाना सेवन सिस्टर्स, ठीक है। कहां पर पहुंचोगे? सेवन सिस्टर्स पहुंचोगे। लेकिन आपके जीवन का दर्द ये है कि झारखंड तो चलिए नहीं है सर सेवन सिस्टर्स में, जम्मू एंड कश्मीर उधर नहीं जाएगा, लेकिन मिजोरम भी सेवन सिस्टर्स में ही है और नागालैंड भी है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। लेकिन 371/जी जो है वो मिजोरम से रिलेटेड है, ना कि नागालैंड से, ठीक है दोस्तों। सी इज अ करेक्ट आंसर, है ना। चलो ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और चलिए फिर सी इज अ करेक्ट आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं अपन। जीएसटी वॉज इंट्रोड्यूस्ड एज द फिल इन द ब्लैंक्स अमेंडमेंट। देखो जीएसटी एक बार देसी तरीका मैंने आपको बताया था, जीएसटी बोले तो जीएसटी कुछ अलग है ना, है ना। अब तो खैर हमारे सिस्टम के अंदर सुवार हो गई है, कहीं 100 रुपए दो तो 1 रुपया और बढ़ा के दो, 101 रुपए दो, है ना। और 100 रुपए पहले पंडित जी को दक्षिणा दिया करते थे, है ना, आज भी देते लो पंडित जी भैया लो 101 रुपए दक्षिणा ले लीजिए, है ना। तो फटाफट भैया आप ही आंसर बताए, इसका कौन सा क्या सही आंसर क्या होना चाहिए भाई आप लोगों के हिसाब से मेरे प्यारे दोस्तों। लीजिए टाइमर आपका स्टार्ट हो गया, फटाफट जल्दी से मुझे बताओ क्या आंसर हो गया मेरे प्यारे दोस्तों। 100, 101, 102 एंड 103। अच्छा मैं आपको बोलूंगा ना सारे आर्टिकल याद कर लेना 100+ वाले, है ना। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी को रिमूव कर किए जा जब किया था सुप्रीम कोर्ट ने, उसके बाद से जितने भी आर्टिकल से सारे इंपॉर्टेंस रखते हैं, ठीक है। 99th वाले से आगे के, चाहे वो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट LBA हो किसके अंदर बांग्लादेश का हमारे साथ, चाहे SC ST एक्ट को जो इनहेरिट किया और आगे बढ़ाया, ठीक है बच्चा, और एंग्लो इंडियन को डिसकंटिन्यू किया, है ना। हम लोगों ने बैकवर्ड कमीशन को एक कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया, तो ये सब पढ़ लेना अच्छे से। तो 101 भैया कहाँ पर है, फटाफट जल्दी से मुझे बताएं। अच्छा ये कब एप्लीकेबल हुआ ये भी याद रख लिया, बहुत दुखी करता है लोगों को, है ना। कई बार बच्चे पूछ चुके हैं 1 जुलाई, ये डेट ज्यादा पूछता है, 2017 से एप्लीकेबल हुआ, 2017, ठीक है। तो जीएसटी वॉज इंट्रोड्यूस्ड, है ना, फटाफट आंसर बताओ भाई। 101 बोला था ना पंडित जी, 101, है ना। एकदम देखो चीजों को जितना सिंप्लीफाई करोगे उतना ज्यादा अच्छा होगा, किसके लिए, तुम्हारे लिए, ठीक है। हम तो वैसे ही सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, विच एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट ट्रांसफर्ड द पावर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन। बड़ा बेसिक क्वेश्चन है यार ये, है ना। ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया, क्योंकि भैया हम हो चुके थे परेशान। असल में परेशान क्या हो चुके थे, दो बंदे थे, है ना। इन्होंने क्या किया, आग में घी डालने का काम किया, जिनमें से दोस्तों एक नाम मिलता है आपका, किनका, हम सभी लोग जानते हैं, वेलेजली। वेलेजली तो और खतरनाक था, एक आदमी था जिसका नाम था डलहौजी। इन दोनों ने दोस्तों, एक ने सब्सिडरी रिलायंसेस और एक ने, चलो एक सब्सिडरी तो चलो ठीक है, लेकिन दूसरे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, व्यक्तिगत का सिद्धांत, मतलब अगर कहीं पर भी अगर अगर बच्चा लोग बेबी बोर नहीं है, किसी का भी बेटा नहीं है, दत्तक पुत्र को नहीं मानते, नहीं नहीं भाई मामा जी का लड़का ले लिया, पड़ोस का लड़का ले लिया, गरीब का कोई बच्चा ले लिया, नहीं, अगर आपका बेबी अगर नहीं है तो गद्दी पर बैठने का अधिकार अब आपसे आगे किसी को नहीं होगा, ब्रिटानिया हुकूमत के अंदर चली जाएगी उस शासन सत्ता। तो यार इन सब से ना हम परेशान से हो गए थे, हम धीरे धीरे मैसूर को हड़पा, मैसूर में बच्चा लोग सबसे जबरदस्त तरीके से उनको शिकस्त दी थी हैदर अली ने। हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेजों को सबसे पहली बार किसी ने हराया और सबसे आखिरी बार भी किसी ने हराया, तो वो कोई और नहीं, हैदर अली है। उसके बाद तो रियल सलमान खान ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, गांधी जी एंड ऑल आ गए, लेकिन फिलहाल स्टार्टिंग में अगर देखा जाए तो हैदर अली एकमात्र ऐसा पर्सन था जिसने अंग्रेजों को शिकस्त दी। अंग्रेज जानते थे अगर हमारी प्रॉस्पेरिटी को धक्का लगा तो दोबारा हिंदुस्तान को अपने मुट्ठी में बस करना कर पाना मुश्किल होगा, इसीलिए वो बच्चा लोग ध्यान रखिए कलकत्ता चेन्नई हर जगह सैनिकों को बुलाते हैं, और जब तक मार नहीं लेंगे बच्चा लोग सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर के अंदर, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। एक तरफ उसकी डेड बॉडी पड़ी होगी और एक तरफ उसी का बेटा जिसका नाम बच्चा लोग टीपू सुल्तान है, वो भी लड़ेगा। थर्ड बैटल ऑफ एंग्लो मैसूर बैटल जब खत्म होता है, श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है, लेकिन असल में प्रॉब्लम क्या थी, टीपू सुल्तान और हैदर अली दोनों फ्रांसीसियों के बहुत करीब जा रहे थे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, टीपू सुल्तान जैकोबिन क्लब का सदस्य था, और ये बात बिल्कुल हजम नहीं होती थी किनको, अंग्रेजों को,
टीपू सुल्तान हिंदुस्तान का पहला ऐसा शासक था जिसने अपनी सेना को ब्रिटिश, जिस तरीके सेना पूरी तरीके से मैनेज मैनेज थी, उसी तरीके से फ्रांसीसियों को बोला था कि आप हमारी सेना को तैयार करिए। ये देख करके आग बबूला हो जाते हैं अंग्रेज, समझ जाते हैं आज नहीं तो कल ये हमारे लिए नासूर बनेगा और परेशानी का दोस्तों सबब बनेगा। इससे पहले कि ये नासूर बने, जड़ से उखाड़ देते हैं इसको, है ना। तो ध्यान रखिएगा, मैसूर पूरी तरीके से क्वार कर लेंगे। पहुंचेंगे ये लोग कहाँ पर, पंजाब। पंजाब में महाराजा रणजीत सिंह, ये वही पर्सन है जिनके जिनको वन आइड मैन कहा जाता है, जिनका एक स्टेटमेंट दोस्तों बहुत ही ज्यादा फेमस है। उन्होंने कहा था कि ईश्वर ने मेरी एक आंख की रोशनी इसलिए छीन ली ताकि मैं सभी को बराबर नजर से देख सकूं। ये तो बहुत अच्छी बात कही थी। लेकिन जैसे ही देखो, जब तक वो जीवित रहेंगे तब तक सतलुज रिवर की तरफ नहीं देखेंगे अंग्रेज। लेकिन जैसे दोस्तों वो एक्सपायर हो जाएंगे, तुरंत ये आएंगे और यहाँ पर उनकी वाइफ जिनका नाम रानी जिंद कौर है और उनके बेटे जिनका नाम राजा दिलीप है, दोनों को भेज देंगे दोस्तों यूरोप। ध्यान रखिएगा, राजा दिलीप की आगे चल करके पेरिस के अंदर एक्सपायर हो जाएंगे और रानी जिंद कौर आगे चल के इंग्लैंड में एक्सपायर हो जाएगी। तो कुल मिला के इनको भी, पंजाब को भी हड़प लिया। हालांकि पंजाब के बारे में कहा जाता है कि उस समय की सेकेंड ब्रेवेस्ट आर्मी थी, पहली अंग्रेज खुद को मानते थे, दूसरे नंबर पर दोस्तों पंजाब मानी जाती थी। तो कुल मिला के सत्यानाश कर दिया। लेकिन यहाँ पर एक गलती कर दी अंग्रेजों ने। असल में अवध, ये जो उत्तर प्रदेश और लखनऊ के आसपास का जो आज भी अवध है ना, महमूदाबाद, अवध अवध करके हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, अवध एक ऐसी बहुत ही प्रॉस्पेरेट बच्चा लोग सोसाइटी थी जिसने हमेशा ही अंग्रेजों का सपोर्ट किया। अंग्रेज कुछ भी करते थे तो एकदम एकदम अपनी कैप उतार के ऐसे खड़े हो जाते थे, हुजूर आप जो कहेंगे वो सब सही। लेकिन 1856 के अंदर दोस्तों होता क्या है, इनके ऊपर ये लोग क्या लगा देते हैं कि मतलब ये बोलते हैं कि मतलब मिसमैनेजमेंट, सही नहीं है सब कुछ, अव्यवस्था है। मिसमैनेजमेंट को तो कोई, भाई कौन सा कोई थर्मामीटर होता, कोई मापने वाला यार होता हो, कोई मैप होता हो तो मुझे बता दो, कोई मीटर होता हो तो मुझे बता दो। भाई मैनेजमेंट तो क्या, मिसमैनेजमेंट मीन्स व्हाट यार, व्हाट द मीन ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड, नहीं पता है। तो जब इसको अपना लिया फिर सब समझ गए कि यार जब ये अवध के ना हुए तो हमारे क्या खाक होंगे। तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर पूरी तरीके से मतलब इनके खिलाफ एक लहर दौड़ेगी। और आगे आपको पता ही है, इनफील्ड नाम की राइफल आती है 7.62 mm, और बच्चा लोग जानते हैं आप सभी लोग मंगल पांडे एंड ऑल दैट, ठीक है। आगे कहानी आपको पता ही है। तो जैसे ही ये हुआ था बैटल, इसके बाद अंग्रेजों की आंखें दोस्तों फटी की फटी रह गई। उसके बाद ब्रिटानिया हुकूमत ने इनके हाथ से शासन छीन के, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से, वो एक एक्ट लेकर के आए जिसका नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ध्यान रखिएगा 1858, है ना। असल में चार्टर का मतलब होता है लाइसेंस, जो 1813 1833 और सब लोग आए थे, तो वो अलग है दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 1858। देखने में सिंपल लगता है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार इससे। तो बी इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, प्रोविजंस ऑफ सिंगल सिटीजन्स सिटीजनशिप इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम द विच कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो बड़ा सिंपल है यार। देखो, यूएस से हमने बहुत कुछ अडॉप्ट किया है, लेकिन आपको शायद पता होना चाहिए यूनाइटेड नेशंस के अंदर ड्यूल सिटीजनशिप है, ठीक है दोस्तों। कैसी है बच्चा लोग, ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड नेशंस के अंदर दोस्तों ड्यूल सिटीजनशिप है, मतलब वहां पर दोहरी नागरिकता, वहां पर आप राज्य के नागरिक हैं, आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, राज्य के नागरिक हैं और राज्य के साथ साथ में आप सेंटर के भी नागरिक हैं, है ना। तो मतलब सेंटर का अलग है आपके पास नागरिकता और राज्य की अलग है, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर ऐसा नहीं है ना। आप तेलंगाना की अलग है, तमिलनाडु की अलग नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी की अलग नहीं है ना। आप हिंदुस्तान के नागरिक है मतलब हिंदुस्तान के नागरिक है। आप तेलंगाना में रहते हैं, हिमाचल प्रदेश प्रदेश के अंदर जाके अपना प्लॉट बुक कराइए, कोई आपको रोकने और टोकने वाला नहीं, ठीक है दोस्तों। तो एकल नागरिकता का हमने जो कॉन्सेप्ट लिया है वो कहाँ से लिया है, सोचो यार, लॉजिक लगाओ भाई, लॉजिक लगाओ दोस्तों, आप तो खुद लॉजिक लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है ना भाई। जिसका हमारे ऊपर शासन था, है ना, तो उसी का, तो उसी का एक्सेप्ट करेंगे ना। तो ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है वो बी इज द करेक्ट आंसर। हमारे ऊपर सबसे ज्यादा इंपैक्ट अगर किसी का पड़ा है तो ब्रिटेन का ही पड़ा है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, अगर ऑप्शन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 दे, GOI 1935 दे, देन ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको GOI 1935 ही चूज करना है, वरना परेशानी का सबब बन जाएगा दोस्तों। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं अपन। ओहो टाइमर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग राइट, मतलब भारतीय संविधान के दोस्तों अनुच्छेद 19 में निम्न में से कौन सा अधिकार शामिल है। अब राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, अब सोचो, लॉजिक लगाओ, टाइमर मैं स्टार्ट करता हूं, योर टाइमर दोस्तों हैज बीन स्टार्टेड, पर
फटाफट से आंसर बताएं, फटाफट से आंसर बताएं भाई आप सभी लोग मेरे प्यारे दोस्त। कुछ है ही नहीं यार, इस क्वेश्चन को कई कई बार हम लोग कर चुके हैं। टाइम अप, टाइम अप एंड टाइम। आर्टिकल 19 यार सोचो, कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज यहां है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन शोषण के विरुद्ध भाई, राइट टू फ्रीडम टू रिलीजन कैसी बात कर रहे हो, 25 से 28 जाना पड़ेगा। रेमेडीज तो हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं यार 32 के अंदर बच्चा, राइट टू फ्रीडम एंड स्पीच एंड एक्सप्रेशन बिल्कुल, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की आजादी, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है ना। और ये बंच है पूरा, हमें चुपचाप साइलेंटली, मतलब साइलेंटली का मतलब किसी को डिस्टर्ब ना हो, है ना, हम कहीं पर भी मीटिंग कर सकते हैं, गैदरिंग कर सकते हैं, स्पीच दे सकते हैं, कहीं पर भी फ्रीली आ और जा सकते हैं, बस सकते हैं, लाइफ को स्पेंड करने के लिए, जीव को पार्जन के लिए हमें एक प्रोफेशन चूज करने का भी अधिकार, इन सबका कलेक्शन है। और तो और एक बेसिक क्वेश्चन आपसे दोस्तों और पूछ लेता है कि प्रेस के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कोई आर्टिकल है? जी नहीं भाई साहब, प्रेस के लिए हमारे सिस्टम में कोई आर्टिकल नहीं है, कोई जगह नहीं है। असल में प्रेस के लिए जो आर्टिकल के लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, जो सोर्स है वो कोई और नहीं दोस्तों, यही है, यही आर्टिकल 19 प्रेस के लिए भी है। ठीक है, चलिए भाई बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, द टर्म डिस्ट्रिक्ट जज इज मेंशनड इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जिला न्यायाधीश शब्द का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया जाता है? फटाफट जल्दी आंसर बताएं। बहुत बढ़िया, देखो ध्यान रखिएगा, जब भी जुडिशियरी की हम बात करते हैं ना तो ट्रायंगल बनता है हमारा, सबसे टॉप पे सुप्रीम कोर्ट है, देन फिर दोस्तों हाई कोर्ट है, सबसे बॉटम पे लोअर सबॉर्डिनेट्स होते हैं। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इनको प्रेसिडेंट सर देखते हैं, ठीक है, और ये गवर्नर के अधीन होते हैं, मतलब अधीन नहीं बोलेंगे लेकिन गवर्नर इनको अपॉइंट, जैसे इनको प्रेसिडेंट सर करते हैं वैसे इनको गवर्नर करते हैं। जैसे आपने देखा होगा अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर गए होंगे तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर कभी जज नहीं बैठते, जज दोस्तों सिर्फ दो ही जगह बैठते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के अंदर, है ना। ध्यान रखिए, जब कोई दीवानी और फौजदारी, जब आप जिले में जाओगे ना, दीवानी का जज अलग होगा, फौजदारी का अलग होगा, क्रिमिनल कोर्ट देखा होगा आप लोगों ने कई बार, है ना, दीवानी और फौजदारी दोनों का अलग होता है। देखो दीवानी फौजदारी होते क्या क्या है, दीवानी वो होते जिनके अंदर हम डिमांड करते हैं, हम कहते हैं सर हमें दिक्कत हुई है ना, हमें हमें मानहानि की हमें क्षति हुई है, हमें सर इनसे मुआवजा चाहिए, तो ऐसे वाले जो केसेस होते हैं वो होते दीवानी। और बच्चा लोग ध्यान रखिएगा, फौजदारी के होते जैसे हमने मारा किसी को, है ना, उसने हमें मारा, हमने उसे मारा, मारपीट हुई, टूट फूट हो गई, कोई कोई केसेस दोनों होते हैं ना, मारपीट हुई, जख्मी हो गए, पैसे की डिमांड कर रहा है, तो दोनों होते हैं। तो कुल मिलाकर ध्यान रखिएगा डिस्ट्रिक्ट में ये सबके लिए अलग अलग होता है ना। और जो इन दोनों को देख सके, देखो वो उसे न्यायाधीश कहते हैं हम लोग, है ना, कौन सा वाला, वो जज वाला, ये वो डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट जज वाला, देखो जिसके जज के आगे कुछ ना कुछ लगेगा, मजिस्ट्रेट के आगे कुछ ना कुछ लगेगा, सेशन मजिस्ट्रेट, ध्यान रखिएगा दोस्तों, केवल जज नहीं लिखा होगा डिस्ट्रिक्ट में, केवल जज नहीं, केवल जज तो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट में ही होते हैं, है ना, वहां पर ये नहीं होता दीवानी के लिए अलग है, फौजदारी के लिए अलग, नहीं, वहां पर जो है वो है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसके लिए आर्टिकल कौन सा हो गया बच्चा, ध्यान रखिएगा 233, है ना, तो डी इज करेक्ट आंसर, कभी कभार आ जाता है भूले बिसरे इस तरीके के क्वेश्चन। चलिए, निम्न में से किसे पाल राजा, कौन से पाल राजा ने विक्रमशिला, हु एस्टैब्लिश, हु वाज द पाल किंग हु एस्टैब्लिश विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। फटाफट जल्दी से आंसर बताएं आप सभी लोग, लीजिए टाइमर आपको चला देते हैं, योर टाइमर हैज बीन स्टार्टेड, प्लीज बताएं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई, गोपाल गोपाल धर्मपाल देवपाल और देवपाल टू, फटाफट जल्दी से आंसर बताएं, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, है ना, बहुत ही आराम से आप आंसर दे सकते हैं इस क्वेश्चन का, इसमें एक्चुअली कुछ है ही नहीं, है ना बच्चा लोग, याद रखिएगा धर्मपाल, है ना, तो बी इज अ करेक्ट आंसर, बी इज अ करेक्ट आंसर। चलिए खैर, अच्छा किसने नेस्तनाबूद कर दिया था बताइएगा मुझे, विक्रमशिला को, नालंदा को, किसने नेस्तनाबूद किया, बहुत बुरी तरीके से बताइएगा। द खिलाफत मूवमेंट 1920 1920 वॉज ऑर्गेनाइज एज द प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनजस्टिस डन टू, मतलब कुल मिला के सुनो इसको, देसी तरीके से समझो, 1920 1920 का खिलाफत मूवमेंट, असल में 1919 के अंदर ओरिजिनेट होता है, गांधी यहाँ पर
देखो मुसलमान पूरी तरीके से खिलाफत मूवमेंट के साथ है, हिंदुओं को भी एक धारा में लाने के लिए स्टार्ट करेंगे एनसीएम, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ध्यान रखिएगा दोस्तों। फिलहाल तो खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ था टर्की की वजह से, असल में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। आप सभी लोग जानते हैं जब कोई विश्व युद्ध होता है तो विश्व युद्ध छोड़ो कोई युद्ध भी दे लो, देख लो यार कोई भी है, द ट्रीटी ऑफ संगोली है ना, आप तो सभी लोग जानते हैं द ट्रीटी ऑफ वर्साय, वर्साय के ऊपर ही हम लोग बात करने वाले हैं। जब भी कोई बैटल होता है तो उसकी ट्रीटी जरूर होती है, फर्स्ट बैटल हुआ तो उसकी ट्रीटी हुई जिसको बोलते हैं द ट्रीटी ऑफ वर्साय। अब देखो ट्रीटी में कुछ होता नहीं है, जो जीतने वाली कंट्री होती है भाई पूरा का पूरा दारो मदार डाल देती है हारने वाली कंट्री पर। एक तो वैसे भी जो हारने वाली कंट्री आत्मग्लानी की वजह से मरी जा रही है, ऊपर से बच्चा लोग उसको भी नुकसान हुआ है, और ऊपर से ये थोप दी जाती है, तो कहीं ना एक एक ईगो पे बन जाता है। ये बन गया था टर्की का, क्योंकि जीतने वाली कंट्री में से जीतने वाले लोगों में थे अंग्रेज जो हमारे ऊपर शासन कर रहे थे, और हारने वालों में था टर्की। और टर्की का जो खलीफा है वो दुनिया भर के मुसलमानों का रेगुलेटर, पूरे दुनिया भर के मुसलमानों का अग्रज है ना, सम्माननीय पोस्ट है। हालांकि इस पोस्ट को आगे चल करके 1924 में मुस्तफा कमाल पाशा, मुस्तफा कमाल पाशा जैसे अपने इंडिया में गांधी है आप ऐसे समझिए, वैसे टर्की में दोस्तों मुस्तफा कमाल पाशा है। उन्होंने क्या कर दिया उसको 1924 से डिसकंटिन्यू कर दिया है ना, जैसे गुरुओं के बच्चा लोग सिखों के जो गुरु है उन्होंने भी डिसकंटिन्यू सबसे लास्ट में कर दिया है ना, वही काम दोस्तों इन्होंने भी किया ताकि आगे चल के डेकोरम सब मेंटेन रहे। तो वही हिसाब किताब यहाँ पर भी मेरे प्यारे बच्चों बनता है ना, तो ध्यान रखिएगा। फिलहाल तो मतलब कहीं ना कहीं हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान सारे लगाव में आते हैं कि मतलब गलत हो रहा है और अंग्रेजों पर प्रेशर बनता है। गांधी बराबर तरीके से खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष कोई और नहीं थे कि आप रहमत अली और सब लगा के चले आए, नहीं ध्यान रखिएगा, खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष कोई और नहीं, खुद महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी ने सोचा कि हिंदू और मुसलमान दोनों को एक साथ लेकर के परिपाटी पर लेकर के चलेंगे और कुछ अच्छा हो जाएगा है ना, और हुआ भी सच में। तो इस तरीके से अगर देखा जाए दोस्तों तो 1920 में हुआ था। इसका सब्जेक्ट किसकी वजह से, ध्यान रखिएगा, टर्की है ना, टर्की, टर्की ने अपना नाम बदल दिया तुर्की, है तुर्की है ना, अर्दोगन यहाँ के प्रेसिडेंट है। तो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चा लोग। चलिए फिर, अब आई होप सो कि आप लोगों ने एंजॉय काफी किया होगा है ना, टाइम हो चुका है यहाँ पर भी आधी रात से ज्यादा हो चुका है, रात के करीब 1:30 बज रहे हैं। ओके दोस्तों मिलते हैं बच्चा लोग हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर, आई होप सो आप एंजॉय किया होगा आप लोगों ने, और आपके कोऑपरेशन के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। इसी तरीके से पढ़ते रहो बच्चा लोग है ना, अच्छे तरीके से पढ़ते रहो, और हम लोग मिलेंगे बच्चा लोग मंडे को। ओके सीजा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू क्लास, जय हिंद जय हमारे प्यारे बच्चों के, बाय, जय हिंद जय दोस्तों।